हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से एक नया नोटिस आया है। इसमें जो है ऑप्शन फॉर्म को लेकर के है, और यह जो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2020 को लेकर के है। इसमें जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं और जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, वो इस फॉर्म को डाउनलोड करके भरने के बाद में इसको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन पर ले जाना है, जहाँ भी सेंटर दिया रहेगा वहाँ पर। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या क्या चीज़ें करनी है, इसको मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको अपना नाम भर लेना है। फिर रोल नंबर जो है आपको SSC को दिया गया, उस रोल नंबर को भरने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस सेपरेटली फॉर द पोस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इसमें जो फॉलोइंग फॉर्मेट है उसी के हिसाब से आप अपना ऑप्शन को इंडिकेट कर सकते हैं एक एक करके। इसको आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है पोस्ट फॉर व्हिच यू आर एलिजिबल, इसके लिए यस और नो लिखना है। आप इन तीनों में से पोस्ट कोड दिया हुआ ABC, इसमें से आप जिस पोस्ट में भी आप एलिजिबल हैं उसमें आपको यस या नो भरना है। इन तीनों में से आपको भर लेना है पोस्ट दिया गया है। इसके अलावा में दूसरे नंबर पर जो है कोड ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिसेस फॉर गिविंग प्रिफरेंस जो है उसमें आपको कोड दिया हुआ है A1 और B1, इसमें है आप लोगों को सारा चीज़ देख लेना है और इसी हिसाब से आपको भर देना है। ये जो है डिपार्टमेंट भी नाम दे दिया गया है। इसके अलावा में यहाँ पर जो है जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स व्हिच हैव एडॉप्टेड मोड सब करके दिया हुआ है। इसमें जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर कोड दिया D1, D2, D3, D4, D5 करके, यहाँ पर आपको टोटल 9 नंबर तक दिया गया है। इसके अलावा में यहाँ पे 9 नंबर और यहाँ पे ये 10वां और ये 11वां हो गया आपको। तो इन 11 जो चीज़ें हैं उसको आपको यहाँ वाले में भरना है। जैसे कि अब स्पेस दिया गया है 1 से लेकर के 11 तक, तो इसी के बीच में ये सब सारे फिल हो जाएंगे। मान लीजिए इसके बाद फिर यहाँ पे क्या कहता है, प्लीज़ इंडिकेट कोड ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब इसमें से जो है आपको सबसे पहले जिस भी पोस्ट के लिए डालना है प्रेफरेंस डालना है, जैसे मान लेते हैं आपको D1 पसंद है, तो आप यहाँ पर इसको पहले नंबर पर D1 फिल करेंगे। फिर दूसरे नंबर में आपको D5 करना है तो यहाँ पर D5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको पूरा फिल करते हुए 11 तक पूरा फिल कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर रहा है उसको देखते हैं। द ऑप्शन एक्सरसाइज एबव आर फाइनल, मतलब यहाँ पे जितने भी आप ऑप्शन भर लेंगे हैं वे फाइनल है, मतलब पूरी तरीके से फुलफिल हो गए हैं। आई एम ऑल्सो फुल्ली अवेयर दैट नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंसेज द ऑप्शन एक्सरसाइज बाई मी एबव वुड बी परमिटेड। तो यहाँ पे जो है कि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और इसमें मैं कोई भी चेंज करना नहीं चाहता हूँ, इसका जो ऑर्डर है उसको इसी प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे यह डिक्लेरेशन है एक हिसाब से, और इसमें मैं जो भी किया हूँ वह सब सही है तो आप मुझे परमिट कीजिए, इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल अपना जो सिग्नेचर है आपका जो भी नाम है उस हिसाब से सिग्नेचर कर लीजिएगा आप। फिर जो नाम है वह भी आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो डेट रहेगा उस डेट को यहाँ पर फिल कर देना है, जिस डेट में आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो यह एक बहुत बड़ा नोटिस है, इसमें आपको एक चांस मिल गया है कि आप यहाँ पे जो भी पोस्ट है उसको आप पोस्ट को फिर से रीअरेंज करके भर सकते हैं, आपको पोस्ट जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से। तो यह एक बहुत नोटिस है, तो इस प्रकार का यह एक नया नोटिस आ गया, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है।